सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओल्ड डेफिनेशन है कि दीज आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एज कार्बोहाइड्रेट, विच हैव द जनरल फार्मूला CXH2O1। सो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो इस फार्मूले को आपके फॉलो करते थे। जैसे आप देखे मान लो C6H12O6 ग्लूकोज था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सी आपका XH2O Y की टर्म्स में आ रहा है, केन शुगर है, C11H22O11, तो यहां भी C11 और H2O इस टर्म्स में आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन थी और नाम इसी बात के ऊपर गया, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी रही, कई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मिले जिनके मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन आपके दे आर नॉट फॉलोइंग द दिस फॉर्मूला। और कई कंपाउंड ऐसे भी मिले जैसे आपका एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, आप लोग जानते ही हो, C2H4O2, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। या आपका फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है ना, CH2O लिख सकते हो आप। ठीक है, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, एक्स और वाई वैल्यू 1 बैठी है लेकिन दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते। तो मतलब ओल्ड डेफिनेशंस में आपके काफी हद तक सही थी लेकिन उसके अपने लिमिटेशंस थे। तो उसके बाद जो है वी क्रिएट द न्यू डेफिनेशन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव दीज कंपाउंड्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन्स या एल्डिहाइड होते हैं या जो सब्सटेंस हाइड्रोलिसिस पे इनको दे देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस पर जैसे आपको स्टार्च ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज, ठीक है, आपका जो है और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रुक्टोज है। ठीक है, मतलब ये कि हमने जनरल फार्मूले लिख दिए। देखिए फार्मूले मतलब ये एक्चुअल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फार्मूले हैं, ये नहीं होते बल्कि ये इनके हेमीएसिटल या एसिटल लिंकेज वगैरह में होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक लेवल पे बच्चों के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। जैसे हम छोटी क्लासेस में ग्लूकोज मतलब क्या बता देते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, अब हमने ये बता दिया। लेकिन ये भी कुछ देर बाद बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी कुछ चेंज है। तो इनकी हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है हम थोड़ा सा भी आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें यदि आप काइरल कार्बन देखें तो ये चार आपको अभी काइरल कार्बन नजर आएंगे। ठीक है ना, इसमें फ्रुक्टोज में आपको तीन कार्बन इस फॉर्मूले में नजर आएंगे। ठीक है, तो इनके भी आइसोमर्स बनते हैं, उनके भी नाम होते हैं और नॉमेनक्लेचर वगैरह भी है, तो जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या इनको हाइड्रोलिसिस करके देने वाले सब्सटेंस को हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन में वी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन
कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी कैन डिवाइड देम शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर आपकी नॉर्मली स्वीट्स होती हैं, ठीक है, मीठी होती हैं, और आप लोग खूब चीनी खाते भी होंगे डेली, ठीक। और इसको हम मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड दे विल नॉट हाइड्रोलाइज, और ओलिगोसैकेराइड्स आपके जो है 2 से 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म ऑन हाइड्रोलाइज, ठीक है ना। तो इसकी 2 से आपकी जो है 9 यूनिट बन जाती है, ठीक है। इसको हम लोग आगे फिर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एक्सेट्रा में डिवाइड करते हैं। और आपका जो पॉलीसेक्राइड है, इसमें आपका एग्जांपल जैसे स्टार्च आ जाता है, जो हाइड्रोलिसिस पर ग्रेटर देन 9 यूनिट्स बनाते हैं, 9 यूनिट्स ग्रेटर देन 9 यूनिट्स फॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो ये आपके जो है स्वीट नहीं होते टेस्ट में, ठीक है, बिल्कुल फीके से होते हैं, अमरफस होते हैं, ठीक। ये जो है क्रिस्टलाइन होते हैं आपके, ठीक है, और व्हाइट कलर के होते हैं और बहुत स्वीट रहती हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, और भी बहुत सारे, इनका हम और आगे डिस्कशन करेंगे। डाइसेक्राइड्स के आपके एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, ठीक है ना, लैक्टोज है एक्सेट्रा, इसका आपका रेफिनोज है एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपके हैं। और शुगर्स को हम आगे फिर 2 पार्ट्स में एक और बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। और वेरी रिक सॉल्यूशन और ये नेगेटिव टेस्ट देते हैं नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल आपका सुक्रोज है, ठीक है, या स्टार्च भी है, ठीक है, वो भी आपका इन रीजेंट्स का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। बाकी जो मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है ना, और ओलिगोसैकेराइड्स है, वो देते हैं। तो ये टेस्ट क्यों नहीं देता सुक्रोज, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उनमें बॉन्डिंग किस तरीके की है। तो सुक्रोज में आप आगे चल के इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एसिटाइल लिंकेज बनेगा, जबकि बाकी जो मोनोसैकेराइड्स है जो पॉजिटिव टेस्ट दे रहे थे उनमें हेमिएसिटल लिंकेज बनेगा, ठीक है। अभी ये चीज सैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स को आप जो है एल्डोज और कीटोज में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोनिक ग्रुप होगा। तो यहां पर n बराबर 1, 2, 3, 4 हो जाता है, यहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 हो जाता है। तो आपके जो एल्डोज और हेक्सोज है, मतलब नॉर्मली हम लोगों के जो सिलेबस में चीजें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, और जो है आपके मतलब बहुत चीजें हो सकती है डिटेल में, लेकिन हमारे को आई डी तक पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। तो इसमें आपके आ जाते हैं ट्रायोज में डिवाइड कर लेते हैं, टेट्रोज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, पेंटोज में डिवाइड कर लेते हैं और हेक्सोज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरीके से इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ट्रायोज के 2 एग्जांपल हैं इस फैमिली का, एक तो ये CH2OH, इसके बाद CHOH और CHO, CH2OH, इसका नाम है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन।
ठीक है, कीटोनिक ग्रुप वाला। ये एक आपका ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास कीटोनिक ग्रुप तो है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट भी है लेकिन आपका काइरल कार्बन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो इसको हमने कार्बोहाइड्रेट्स में इसलिए रखा है क्योंकि हमारी बॉडी में जब क्रैब्स साइकिल होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का कंबशन होता है बॉडी के अंदर, तो उसमें क्रैब्स साइकिल में ये कंपाउंड बनता है डायहाइड्रोक्सीएसीटोन। तो आप देखेंगे ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड है और इसमें ये काइरल कार्बन है, तो इसके आपके दो पोजीशंस पॉसिबल है। CHO आप ऐसे रख लो, OH राइट में रख लो और यहां CH2OH और यहां पे COH CHO H। यहां पर इसको हम डी सीरीज का मेंबर कह देते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड, और ये आपका एल ग्लिसरल्डिहाइड लेफ्ट साइड में, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। ठीक है, ये जो है इन्हीं के राइट और लेफ्ट के बेसिस पर आगे नाम चलेंगे। ये एक आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड ऐसा एग्जांपल है जो इनेंशियोमर्स भी है और ईपीमर्स भी। ईपीमर्स का मतलब आपका जो भी इन दोनों के बीच में कार्बन आ रहे हैं उनमें से एक कार्बन पे चेंज होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ईपीमर्स को भी हम आगे डिफाइन करेंगे, तो एक कार्बन में जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपकी टर्म ये बन जाती है, ईपीमर्स बन जाती है, डिफरेंट आइसोमर बनते हैं, तो उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड को ध्यान रखना कि ये आपका इनेंशियोमर एज वेल एज ईपीमर्स दोनों ही। अब जो है हम एल्डो टेट्रोस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड था, इसमें CH2OH नीचे और CHO ऊपर, और पहले वाले कार्बन को गिनते हैं, तो इससे आप दो बना रहे हैं, पहले आप इसको एज इट इज बना लें, तो भी आपने एज इट इज बना लिया, अब इसमें जोड़ दें, एक ओ एच इधर एक ओ एच इधर, एच चैन लिखे चैन लिखे चलेगा, ठीक है। तो इसका नाम डी एरिथ्रोज हो गया और इसका नाम आपका डी थ्री हो गया। ऐसे आपका ये क्या कंपाउंड है बच्चों, एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसके भी दो पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, एल एरिथ्रोस और एल थ्रियोस। तो एल एरिथ्रोस इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है ना, ठीक है, इसका मिरर इमेज बनेगा, और ये थ्रियोस इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है ना, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, डी और एल सीरीज में इस तरीके से मेंबर है, तो इसमें टोटल जैसे इसमें एक काइरल कार्बन था, टू की पावर एन, एन दो आइसोमर बने, टू आइसोमर स्टीरियो, ठीक है। यहां पर दो काइरल कार्बन है, टोटल चार स्टीरियो आइसोमर बने, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स। पेंटोज में आप थ्री एरिथ्रोज और डी थ्रियोज, ठीक है, इनसे बनाएंगे। इसमें सिर्फ हम OH वगैरह को लिख रहे हैं, H आप साइलेंट मान लीजिएगा, तो इसमें आप ये बनाइए बिल्कुल सेम टू सेम, OH OH ऊपर CHO लगा दो, नीचे CH2OH लगा दो,
यहाँ सी एच टू ओ एच लगा दो, यहाँ ओ एच लगा दो, यहाँ ओ एच लगा दो, यहाँ सी एच लगा दो। इसमें एक ओ एच एक साइड और इसमें ओ एच दूसरी साइड। इसमें आप ट्रियोज बना दो दोनों, पहले दो सी एच टू ओ एच सी एच ओ सी एच टू ओ एच सी एच ओ और ये ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ पे ओ एच इस साइड, यहाँ पे ओ एच इस साइड। तो आपके ये कंपाउंड बन गए। ठीक है, अभी इसी इन्हीं कंपाउंडों से आगे हम जो है एंडोहेक्सोस बनाएंगे और जो है फिर उनका आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसके टोटल जो है यहाँ पर तीन कार्बन कार्बन, तो आठ आइसोमर पॉसिबल है, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, चार में डी के होंगे, चार एल सीरीज के मेंबर होंगे। ठीक है, तो चार आपके एल राइबोज, एल एराबिनोज, एल जाइलोज और एल लाइसोज, ये भी पॉसिबल। इस पर बेस क्वेश्चन आईडी ये पूछती है। ठीक है ना, तो इसमें आप बिल्कुल सेम टू सेम बना लीजिए ऊपर वाले को, OH, 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 और ये सी एच ओ। दूसरा यहां बना लीजिए आप सी एच टू ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, और ये सी एच ओ। इसमें एक ओ एच और ये सी एच ओ एच जोड़ दिया, इसमें साइड आ गया। ठीक है, ये हाइड्रोज बन गया। और इसमें आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, मम्मी इसमें मोटे मोटे बबल्स बन रहे हैं, ओ एच, ओ एच और सी एच ओ। सी एच टू ओ एच सी एच ओ तो इसमें जो है आपका एक जो आप ऐड कर रहे हैं वो OH लेफ्ट साइड आ जाएगा, इसमें राइट साइड आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए ग्लूकोज और मैनोज आपस में एक दूसरे के C2EP+ भी होते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे जो कंफिगुरेशन होता है यही बस डिफरेंट होता है। ठीक है, यही कार्बन पर इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता, बाकी सब कुछ सेम होता है। उसको EP+ बोलते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन पे। यदि फर्स्ट कार्बन पे कुछ आपका डिफरेंस आएगा तो वो एनामर्स में आते हैं। एनामर्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, EP+ आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। ठीक है, फिर सो अब जो है आप इनसे आगे बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को स्टॉप करके चार आइसोमर और एल्डोहेक्सोस बनाने की। बिल्कुल सेम सिस्टम, इसको एज इट इज बनाए। इसमें आपका रिलोज में इस साइड OH आ जाएगा, इस साइड OH आ जाएगा, इसमें लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, इससे दोनों बन जाते हैं आपके, और इससे फिर आगे दोनों बनेंगे लैक्टोज। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आमतौर पे मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको गलती करते हैं। ठीक है ना, आप फिर कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आपका एल ग्लूकोज बनता है वो उसका बिल्कुल सेम मिरर इमेज बनता है। ठीक है ना, तो वो ये बनेगा आपका, या सी एच टू OH आ गया, ये OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर, ये सी। ठीक है, इसका मिरर इमेज ये एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और यदि आप इसकी टॉलरेंस रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, प्लस, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ग्लूकोज जो आपका टॉलरेंस रिएक्शन होने के साथ पॉजिटिव टेस्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस द टर्म ईपीमर्स। तो ईपीमर्स एक पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट ए सिंगल कार्बन आर सेट टू बी ईपीमर्स। ठीक है, फर्स्ट कार्बन को हम छोड़ दें, तो फर्स्ट कार्बन में यदि आपका कुछ चेंजेस आते हैं तो एनामर्स बनते हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड आपके एक ईपीमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वो एनेंशियोमर्स भी है। ठीक है, पीछे भी आप दोनों की इमेजेस देखें, डी एरिथ्रोज एंड एल एरिथ्रोज भी आपके ईपीमर्स हैं सी टू में कार्बन के अकॉर्डिंग, और डी मैनोज और डी ग्लूकोज सी टू ईपीमर्स हैं, और डी ग्लूकोज और डी एलोज सी थ्री ईपीमर्स हैं, और डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज सी फोर आइसोमर है। ठीक है, ठीक है, इसमें काउंटिंग जो है हमने सी एच ओ ग्रुप को वन कार्बन मान के करी है, ठीक है, आईयूबीएसी के अकॉर्डिंग। तो आपको अभी आप इनके इमेजेस भी देखेंगे तो उनमें आपको यही डिफरेंस नजर आएंगे, और आप पीछे की भी इमेजेस से कंपेयर इनकी कर सकते हैं। ईपीमराइजेशन की इमेजेस ही हमने दिखाई है, डी ग्लूकोज की और डी मैनोज की और डी गैलेक्टोज की। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में सी ये वन है, ये सेकंड कार्बन है, इस पर डिफरेंस है, एक साइड ओवर लेफ्ट है, एक साइड राइट है। ठीक है, तो ये सी टू है ईपीमर्स है, और यहाँ आप देखो तो ये वन टू थ्री फोर कार्बन पे डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये दोनों आपके सी फोर है ईपीमर्स है, ऐसे ही एलोज भी बन सकता है। ठीक है, उसका बनाने की कोशिश करिए ग्लूकोज का सी थ्री ईपीमर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज बात और है, ये प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है ना, और यदि माइनस है तो वो आपका लिवो रोटेटरी हो जाता है। और हम ये डी और स्मॉल एन यूज करते हैं, तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए है यूज करते हैं, और ये लिवो रोटेटरी के लिए यूज करते हैं। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता, ऑप्टिकल एक्टिविटी में लिवो लेफ्ट साइड में घुमा देता। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता कि डी जो है आपका प्लस ही हो माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, एल जो है आपका माइनस हो प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस या स्मॉल डी अलग चीज है, और कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग चीज है। कैपिटल डी का मतलब राइट साइड ओएच है, और एल का मतलब लेफ्ट साइड, ये कार इस कार्बन के बाद फर्स्ट कार्बन जो आता है। ठीक है, वो ओएच है। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज बेसिक थिंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जिसमें हमने मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स और ईपीमर्स, ठीक है ना, ठीक है, और ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर्स का जो जितने भी हमारे एल्डो एक्सोस, ठीक है, तक आते हैं, एल्डो ट्राइज टेट्रोस पेंटोस एक्सोस, उनके स्ट्रक्चर्स और आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन किया। और आगे हम लोग जो है आपका एनामर्स और साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज